करते हैं आपको, नैब ने मुश्ताक रेसानी के साथ क्या डील की? डीजी नैब ने सब बता दिया। कहते हैं मुश्ताक रेसानी ने 65 करोड़ 32 लाख नक रकम की सूरत में हवाले किए, जबकि 80 करोड़ मालियत के असास से भी सरेंडर किए। मुलजिम ने अपने अकाउंट में मौजूद 96 करोड़ भी नैब के हवाले कर दिए हैं। अभी अपने अकाउंट में मौजूद ये 96 करोड़ नैब के हवाले कर दिए हैं। जो हमसे मुंसलिक को वो अगर नैब को मिल जाती है तो हम डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह ने साबिक सेक्टरी खजाना मुश्ताक रईसानी की करप्शन की गजब कहानी तफसील से मीडिया को बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मुश्ताक रईसानी ने 275 तोले सोना नैब के हवाले किया है। मुश्ताक रईसानी ने 65 करोड़ 32 लाख नकद रकम की सूरत में हवाले किए, जबकि 80 करोड़ मालियत के दीगर असासे सरेंडर किए। मुलजिम ने अपने अकाउंट में मौजूद 96 करोड़ भी हमारे हवाले किए हैं। हम टोटल असाजात जो इसने अब तक हमें सरेंडर किए हैं वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए के बनते हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। 1.25 अरब रुपया हमें उन 9-11 प्रॉपर्टीज से जो है उसकी वैल्यू हमें आ चुकी है। प्ली बार्गेन दरख्वास्त की मंजूरी चेयरमैन नैब की सवाबदीद है। ताहम प्ली बार्गेन दरख्वास्त पर मुलजिम जेल नहीं जाता और सरकारी मुलाजमत का अहल नहीं रहता, बाकी सारी सजाएं लागू होती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने ट्वीट में नैब पर खूब तनकीद की। उनका कहना था कि मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेन से साबित हो गया कि नैब करप्शन को फरोग दे रहा है। कप्तान कहते हैं कि मुलजिम ने 40 अरब रुपए की करप्शन की और 2 अरब रुपए वापस कर रहा है।